से नहीं करवाई जो मैं मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब कंफर्ट जोन होता है ना, थोड़ा सा मुझे पुश किया है, लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। और से नहीं करवाई जो मैं मतलब थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब कंफर्ट जोन होता है ना, थोड़ा सा मुझे पुश किया है, लेकिन फिर भी मैंने एंजॉय किया, बड़ा मजा आया। और यू नो इट जस्ट फील्स लाइक इट्स द स्टेज। बैटिंग और बॉलिंग यहाँ भी थी, तो वो मतलब उस चीज को भी मिस नहीं किया होगा, क्योंकि डांस में बैट बॉल भी इंक्लूड कर ही लिया है लोगों ने। हाँ मतलब जो पक्का ही कर रहे हो कि आपने कांच भी तोड़े होंगे। हाँ मतलब वो तो थोड़े ही ना, बचपन में बहुत थोड़े हैं। देखिए जो जो भी बंदा क्रिकेट खेलता है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह से शुरुआत करता है जो दूसरों के घर पे कांच तोड़ता है। तो मैंने भी बहुत तोड़े, मैंने अपने घर के भी कांच तोड़े, ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के, लेकिन उन लोगों ने कांच तोड़ने के बाद भी दुआएं पड़ी दी है, तो ऊपर वाले की मेहरबानी से इज्जत भी है। और यू नो कंट्री को रिप्रेजेंट किया, वो सबसे बड़ी एक मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मैंने ऐसा मैं कर पाया। लेकिन वो सारी और वहाँ पे और फिर यहाँ पे आके झलक दिखला, जो बहुत बड़ा स्टेज है और वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी करने को परफॉर्म करने को, तो बहुत मजा आया, बहुत इन्जॉय किया और बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। और क्या लगता है आप क्या कहेंगे, मतलब आज जब उनका डांस देखा आज जो डांस ही कर रहे थे, मतलब आज ऐसा लग रहा था कि खुद भी अपने डांस को एंजॉय कर रहे थे, आप शेयर कर रहा था। एक्चुअली ये वीक है जिसमें हमको करना है कि आपका जो पर्सनल फील है, आप जो अपफ्रंट हो रहे हो जनता से, आपको क्या कनेक्टेड करना है, क्रिकेट से ज्यादा कनेक्टेड इनका नहीं रहेगा जो भी है। So I think memories back गए हम और हम काफी enjoy कर रहे हैं। I think this is his comfort zone, I feel। कांचे भी तोड़े। कांचे भी तोड़े। लेकिन हमने एक एक्ट तो देखा कि आप अनिल कपूर वो ज़्यादा बड़े पेड़ लगे थे, झकास हो रहे थे ना, अलग ही मूड में आप चले गए थे। वो हाँ, वो सरप्राइज है, मजा आएगा आप जब देखोगे। मतलब वो जो शिफ्ट करना होता है ना, वो सबसे ज्यादा मतलब चाहे ये मैंने महसूस किया है, जब स्पेशली मैंने बच्चन साहब का जब बात किया था, तो मुझे पहली बार पता चला कि जब आप शिफ्ट करते हो, मतलब एक उसमें कैरेक्टर आप चेंज करते हो, क्योंकि चार गाने तब मैंने किए थे, उसमें चारों गानों में अलग अलग एक्ट हैं, उसमें अभिषेक बच्चन का भी एक गाना डाला, तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जब, क्योंकि आप एक एक फ्लो चल रहा होता है ना, चेंज करते हो। इसमें भी थोड़ा फ्लो चेंज किया है, जो थोड़ी सी मुश्किलें होती है उसमें, लेकिन मजा आएगा, सही से हुआ तो बहुत मजा आएगा। थैंक यू। डन डन डन।